टाइम हो चुका है 9:15 और डेट है 12 और कंचन की रिस्ट वॉच है। और मेरे को ना डिजिटल में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये है एनालॉग पैटर्न है ना, तो एनालॉग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है देखने के लिए, और मैं रिस्ट वॉच जो यूज़ नहीं करता, कंचन तो करती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है? पहले हमारा प्लान था मेरा, कंचन का, मम्मी का और अनवित भी साथ में चलेगा, दो लोग हमारे साथ हो रहे, वो हमें आगे मिलेंगे और साइड हुआ वहीं पे रुकेंगे। मम्मी को फिर हमने सोचा कि मम्मी आप चलोगे, मम्मी मना कर रहे हैं, मम्मी कह रहे मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि घर पे कुछ काम होते हैं, फिर कभी चलूंगी कि आप जाओ, क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी काम है वहाँ पे, और बस इसलिए फिर जल्दी से निकल रहे हैं और बहाने से हम घूम फिर ही आएंगे, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी निकाल आएंगे, तो अभी फिलहाल चलते हैं। और मेरे को ना अभी भूख भी लगी हुई है, टाइम जो हो चुका है 9:15, और जाने से पहले मैंने कंचन को बोल दिया कि एक बार मैगी बना दो तो अपने हाथों की मसालेदार। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म वेज मैगी। मम्मी चलो क्या? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चल पो नहीं। क्यों? फिर जाऊंगी किधर, है ना। चलिए आपकी मर्जी है। और अनवित भी यहीं पे मम्मी के पास, नहीं तो पहले सोचेगा हम चलते हैं। क्या हुआ पता नहीं, हाँ फोन भी आ रहा है मेरे को काफी टाइम से कि जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी, रोज लेट कर देते हैं। मैं ऑलरेडी हूँ, मैगी मैं कहता हूँ पैक करके ले जाते हो, रास्ते में खा लेते हो क्योंकि लेट हो गए, फोन आ रहे हैं उनके, कब हम पहुँचे आप। घर जैसी मैगी आपको कहीं नहीं मिलेगी, हम जाते हैं ना पहाड़ों में खाते हैं, वो बॉइल्ड होती है या फिर वेज डरे होते हैं, नो डाउट बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो घर जैसा टेस्ट होता है वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं सारे मसाले ना अच्छे से डाल देते हैं दिल खोल के। ये क्या कर रहा है? एक्चुअली इसने नाना, ये हमको सोच रहा है कहाँ जा रहे हैं, कि उसके बहाना लगाया जा रहा है कि हम ना बैंक जा रहे हैं कंचन को छोड़ने, नहीं तो ये रोएगा। पता क्या होता है, हमें थोड़े से कुछ काम है, वहाँ पे मार्केट में भी जाना है और बस ये सब था, नहीं तो होगा नहीं। फिर मम्मी को हम ले चलते क्योंकि हमने सोचा था कि रात भी घूमने जाएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल जा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। चले फिर, चले आप भी आओगे ऑफिस, ठीक है बाय। ठीक है मम्मी, है ना, आपको फिर लेके चलेंगे, चले चलो जल्दी, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं बहुत, बार बार कॉल आ रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरा कॉम और ये मेरी एक्स्ट्रा वायर क्योंकि जरूरी थी। आप भी वायर लेके आए, यहाँ पे रख दो, इसमें डाल दो, मेरी ये सीट है। चलो चाबी भी बांध लीजिए। वाली हमने एक ही चीज, ये कैमरा बाय द वे है, हैं बाय द वे कैसे, किस लिए? हां ये वीडियो बना रहा हूं। अच्छा अच्छा, शौक है? यस, मैं जब भी जाता हूं यहां से तेल डलवाता हूं, बहुत अच्छा लगता है ये लाइट्स का, मेरे को पेट्रोल पंप। वैसे हमारे जो काम वगैरह थे वो हो चुके हैं, अभी हम आ चुके हैं एलांटे, और मेरे को ना अपने लिए शर्ट वगैरह देखनी है, लेकिन क्या है कि मेरे पास चेक शर्ट इतनी पड़ी हुई है ना कि जहाँ भी देख रहे हो चेक पसंद आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं, तो लूँ तो कौन सा लूँ? आप भी कहते होंगे कि बस हमेशा हर वक्त चेक शर्ट पहनते, तो ये तो बेसिक रेंज है ना। मेरे पास ये भी आर्टिकल पड़ा हुआ है, ये है, ये भी है, ये वाला नहीं है बट ये मेरे को अच्छा नहीं लगा इतना, और ये तो सेम ही है। जो जो चाहिए चॉपिंग बोर्ड तो ले लिया, जो कि मेरे को लगता है रिक्वायर्ड है, क्योंकि कभी कभी ना प्याज काटना मेरे को दिक्कत होती थी, मैं फटाफट से काटना जाता था, मम्मी तो बारी लेते हैं, लेकिन क्या है कि मम्मी तो आए नहीं, आते तो अपनी मर्जी से इच्छा अनुसार चीज़ें लेके जा सकते थे, लेकिन एक दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ अगर तो मेरे को अच्छी लगी तो ले जाते हैं ना। आज अलांटे में भी आना था, कुछ काम थे जो कि मेरे हो चुके हैं, बट क्या हुआ कि ना मैंने अपना वीडियो पब्लिश किया और ना आप लोगों के कमेंट आ रहे, और मैंने पूछा था कि कहाँ कहाँ तक खुशबू आई है, तो आप लोगों के कमेंट भी आ रहे। मैं स्टडी करता हूँ साथ साथ भाई, एक तो आ गया शिवानी सिंह जी का, वो बोल रहे गुजरात तक खुशबू आ गई है, एक और आया था मेरे पास पठानकोट तक आ रही है, ये बोल रहे ऋषि शर्मा जी, और अपना छत्तीसगढ़ तक खुशबू आ गई, ये भी बोल रहे हैं मधु सिंह जी, और दूसरा मधु सिंह जी है ठीक है, और पराठा की खुशबू पंजाब तक आ रही है। भाई मैं भी पंजाब में रहता हूँ, पंजाब तक कहाँ आ रही है, पंजाब में कहाँ तक आ रही है,
और इधर भी आ गई है हमारे लोकल एरिया में। और अंकुश कंचन ठीक बोल रही है, टंग बोलते हैं उसको। ये किसने बोला? अनीता शर्मा, टोंग। यस, मैंने चिमटा के बारे में पूछा था ना भाई। अंधेरा हो गया, जैसे मॉल में आते हैं ना पता ही नहीं चलता कैसे टाइम निकल गया, और ऊपर से शोर बहुत आ रहा होगा, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा। भाई एक और आया था अंकुश, जम्मू से खुशबू आ गई है, ये बोल रहे हैं सुरेखा राजपूत जी। तो थैंक यू, अभी हम जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे आगे के पढ़ेंगे। और अभी फिलहाल मैं बाहर निकलूँ क्योंकि बाहर मेरी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमें भी 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। और खाना इतना खा लिया था मैंने पायरेट्स ऑफ ग्रिल ने, अभी ना वॉक कर करके मैं डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ उसको। भाई मॉल में एक बार एंट्री हो जाए आपको पता ही नहीं चलता आपका डे कैसे निकल गया। हम 12 बजे की एंट्री हुए, अभी शाम की 6:30 हो गए, कैसे निकल गए टाइम पता ही नहीं चला। सड़क क्रॉस कर लें भाई ध्यान से, वो वेट कर रहे हैं गाड़ी में मेरी। फिर से जा रहे हो अंदर? एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा ना गाड़ी में सामान भर लिया, अब फिर से अंदर जा रहे हो? सामान के लिए आए थे वो तो हाँ भाई, और ही कुछ लेते रहे। मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने वहाँ पे चॉपिंग बोर्ड देखा था फिर वहीं पे छोड़ा है। मैंने कहा किसी दिन फिर आऊँगा, मैं सोच रहा हूँ आप निकल गए, चलिए फिर से वापस जा रहे हैं हम। कोई बात नहीं, रात को लेट भी निकल गए कोई बात नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ कैनेडा जाने की तैयारी हो रही है बस, अब बाकी आपको आगे बताएंगे। ये देखिए कितनी शॉपिंग हो गई हमारी गाड़ी में, बड़ा बड़ा हुआ। ये कंचन ने शॉपिंग की है होम सेंटर से, और ये सब शॉपिंग हो रही है, कपड़े वपड़े ये वो लटरन पटरन, क्योंकि भाई कनाडा जाने के लिए इतना तो बनना पड़ेगा ना, कि इतना एक्साइटमेंट है ना मेरे को कनाडा जाने की, पूछो मत। लेकिन वेट कर रहे हैं अभी। गाड़ी में मैंने सामान रख दिया सारा, क्योंकि शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी जो मेन सामान चाहिए था वो तो भूल ही गए थे हम। ऐसे ही होता है जैसे आपको शॉपिंग करनी हो, भगदड़ ऐसी मची हुई होती है ना माइंड में, क्या भूल जाते हो कुछ ना कुछ। शॉपिंग के लिए क्या था कि एक कैबिनेट बैग और एक बड़ा सा दूसरा ट्रॉली बैग ये चाहिए था, ये तो भूल ही गए थे, मेन शॉपिंग थी हमारी। तो ये कलर है, एक ये कलर है, कौन सा ले कौन सा ले, रेड वाला तो नहीं, ये तो पड़ा हुआ। तेरे एक्चुअली इसमें मेरे ना कैमरा वगैरह भी आ सकते जब मैं ट्रैवलिंग करूँ। तो फाइनली हमारा ये सिलेक्ट हो गया के लिए, कलर सेलेक्ट करना मुश्किल हो गया। ये पिन से आपको इसको प्रेस करना है, और जो भी नंबर रखना है आप रखिए। ऐसे पिन सेलेक्ट हो गया इसका, उसके बाद नेक्स्ट नंबर देन प्रेस करना। फीचर तो बहुत बढ़िया है, पासवर्ड भी पता चल गया। और इसमें एक चीज़ और है कि आपने इसमें पावर बैंक के थ्रू ना चार्ज भी कर सकते हो, पोर्ट लगा हुआ है। ये किसके लिए है? ये दो क्या लोग के लिए? ठीक है ठीक है। कितने का है? कितने का है? 100 रुपये का, 2 दे दो। कहाँ पे है? हो गया। ये तो टूटा हुआ है। नहीं हुआ बंद, तीन बार दबाना है। तो फिलहाल टाइम हो चुका है दोपहर के, मेरा अब सही है ना, और मेरा यहाँ पे वीडियो एडिट चल रहा है। और मैं आजकल ना अपना जो वीडियो है ना, जब से मैंने गोप्रो लिया है तो मैं फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा ये मुश्किल होता था मेरे को चलाना, लेकिन अभी सही है, अच्छे से चलाता हूँ। पहले विंडो मूवी मेकर यूज़ करता जो सबसे सिंपल बेसिक है वो चलाया था, लेकिन ये उससे ज़्यादा सुपर है, सुपीरियर बढ़िया चलता है। अभी फिलहाल बैठ के बात करते हैं मुद्दे की, कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे बहुत ज़्यादा है ना, जिसको हम थोड़ा सा एलांटे में पढ़ चुके थे, लेकिन बहुत ज़्यादा आया। बीच बीच में हम सबके पढ़ लेते हैं भाई, ये कौन कौन से आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं। शिवानी सिंह जी, गुजरात तक खुशबू आ गई है, उसके बाद पठानकोट तक तृप्ता शर्मा जी बोल रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं न्यूजीलैंड तक रीमा मखनी तक आ गई, क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया तक आ गई मीनाक्षी जी, सबके नाम ले रहा हूँ। अहमदाबाद तक आ रही है यूट्यूबर इश, और उसके बाद ये कौन है अपना, खुशबू आ गई इंग्लैंड तक, खुशबू आ गई कोर नाम से कोई मेल आईडी है। और मम्मी का चैनल खोलो, इट्स सिंह गेमर बोल रहे हैं, तो मम्मी का चैनल ऑलरेडी है मम्मी की रसोई, तो आप वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने पहले से खोल रखा लेकिन वहाँ पे वीडियोस नहीं डालता मैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी जो वीडियोस है ना मैं इसी चैनल पे कुकिंग की वीडियोस डाल देता हूँ। लेकिन हाँ कुछ रेसिपी होगी जो स्पेशली वो चाहिए, वो आपको लोग में नहीं पता चलती तो उधर रखेंगे, तो ये फ्यूचर का प्लान है अभी नहीं। बट क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास चैनल है पहले से बनाया हुआ मम्मी की रसोई, उसमें हम कुकिंग की वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ वीडियोस हमारी है जो हमने फैमिली के साथ लॉकडाउन में बनाया था मैंने 20 में। आ रहा है खुशबू के साथ मुंह में पानी आ गया फ्रॉम दिल्ली, सीमा शारदा जी बोल रहे हैं। कोलकाता खुशबू आ रही है ये बोल रहे हैं सौम्य शंकर चक्रवर्ती बोल रहे हैं ना। उसके बाद इसराइल तक आ गई है भाई, इसराइल तक आपको आ गई खुशबू, क्या बात है। देखिए मेरे को, मेरे से इसराइल तो पढ़ा गया, लेकिन उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना आपने किस नेम से किस आईडी से, ये नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ
वहाँ की लैंग्वेज है जो इसराइली लैंग्वेज है वो वाली, तो सॉरी मैं नहीं स्टडी कर सकता वो। और उसके बाद और बहुत से पाकिस्तान तक आ रही है हामिद अमीर। उसके बाद हमारे पास रितु आनंद जी का कमेंट हमेशा आता है, मैं डेली आपके कमेंट को पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। ये कमेंट आपका एक ऐसा होता है इतना लंबा जोड़ा होता है ना, अच्छा लगता है। मैं पूरा वहाँ पे आप ना पूरे ब्लॉग को एनालाइज करते हो, जो जो आपको पार्ट बढ़िया लगता है ना वो उसको आप ना अच्छे से डिटेल में हमें कमेंट करके बताते हो, बिल्कुल दिल से कमेंट लिखते हो, थैंक्स बोलना चाहते हैं मैं आपको। और भाई महाराष्ट्र तक आगे मंजू जा बोल रहे हैं, उसके बाद चल रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो सभी को पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन अपना अपना नाम सुनने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, नहीं तो मैं पहले सोच रहा था कि कुछ कमेंट मैं इस वीडियो में पढ़ दूँगा, कुछ कमेंट मैं अगली वीडियो, क्योंकि कमिटमेंट जो मैंने की है कि मैं आप लोगों के नाम लूँगा तो आप लोगों को भी एक्साइटमेंट होती है, हमारा नाम आएगा। यूएसए तक आ रहा है राज किचन जी बोल रहे हैं। और उसके बाद है हमारे पास न्यूयॉर्क तक आ रहा है हमारे पास संगीता जेटली, एनिमल लवर, ये भी हमको रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं आपके। और उसके बाद है हमारे पास मुंबई तक ये है माधवी राउत ऐसे है कुछ है ना, मैंने पहली बार ये वाला जो सामने में पढ़ा, तो चिमटा मत बजाओ उससे लड़ाई होती है। हाँ जी हमारे घर में भी बोलते हैं ऐसे, और वो जो जस्ट हल्का सा मैंने किया था क्या बोलते हैं टोंग, और आप लोगों ने मेरे को बताया ना टोंग, देखा पता चल गया हमें। और आगरा तक आ गई है बबीता गुप्ता जी बोल रहे हैं, सिंगापुर तक आ गई है निशा शर्मा जी बोल रहे हैं, और नवा शहर तक खुशबू आ रही है जतिन बाली। कुछ ही लीचड़ आदमी का मतलब होता है आलसी और निकम्मा, जो आप नहीं हो भाई, मेरे को तो ऐसे लगता है, आपको नहीं लगता। उधमपुर तक खुशबू आ रही है मोनिका देवी जी बोल रहे हैं, यूके तक खुशबू आ रही है बी कौर जी बोल रहे हैं, अमृतसर तक जो बोल रहे हैं वो मानव गई जी बोल रहे हैं, और उसके बाद हिमाचल तक आ गई ये है अवधेश पठानिया। लोगों कुत्तों को बचाओ, आप लोगों को भी पाप लगेगा, एक मासूम ना कहेंगे, ये क्या लिख रहे हो? अच्छा मेरे लिए बोल रहे कि इनसे कुत्ते को बचाओ, मेरे को उनको लगा होगा कि मैं अच्छे से केयर नहीं करता, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से केयर करता हूँ। अगर आपको लगता है तो क्या ही बोलूँ, हमारे पास 2-3 महीने से बहुत अच्छे से हमारा दिल लगाया हुआ और हमने उसका दिल लगाया। एक दिन मैंने उसको पूछा था कि अगर तेरी हम अच्छे से केयर नहीं करते तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, तो वो नहीं गया, वो कह रहा मेरे को यहीं पर रहना है। मैं एक दिन थोड़ा सा उसको गेट बंद करके बाहर निकाला, मैं क्या चला जाएगा शायद वो पसंद ही, वो फिर अंदर आ गया। अब बताओ मैं क्या करूँ। फिर तक आ रही है जिया भट्ट बोल रहे हैं, रोपड़ तक आ गई है किरण जोत कौर सैनी बोल रहे हैं, उसके बाद अपना सिमी राजपूत अम्बाला तक आ गई है, जेनुअन फैमिली बोल रहे हैं, पुनीता अरोड़ा, और भी बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन मैं मेन पढ़ रहा हूँ। और एक ये डॉक्टर मोम है, ये बोर्ड हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ये भी अंकुश आपका ब्लॉग तो हम बिना देखे ही लाइक कर देते हैं, थैंक्स। और ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए हमें जो बिना देखे लाइक करें, और लाइक के साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। आपने देखा होगा मेरे ना व्यूज़ जरूर कम है लेकिन मेरे लाइक आप देखना अच्छे होते हैं और कमेंट अच्छे होते हैं। उसके बाद मैं रिप्लाई भी देता हूँ, बल्कि सपोज करो 160-170 कमेंट होते हैं मेरे जो कि मैं रखता हूँ और उसमें रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी काउंट हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 120-130 कमेंट मेरे को आ जाते हैं, क्योंकि रिप्लाई भी सभी का नहीं ना होता, बीच बीच में जो यूट्यूब की तरफ से आते हैं ना हमें थैंक्स बोलने के लिए, वही है। आजकल नया कुछ चेंज किया हुआ ना यूट्यूब ने। और घर देख कर बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, योर मॉम वॉज सो ब्यूटिफुल इन हर यंग एज, शी इज सोबर एंड स्मार्ट नाउ टू, गॉड ब्लेस हर विद गुड हेल्थ, थैंक यू यू। उसके बाद रोपड़ तक खुशबू आ गई है, परमजीत कौर बोल रहे हैं, आलू के परांठों की खुशबू हमारे मेरठ तक आ गई है, प्लीज नेम लेना, मैं स्पेशली आपका नेम ले रहा हूँ, जीनत खान है। और अंबाला तक महक आ रही है, सुमन कपूर बोलते हैं, तुलसी ग्रेट हो व्लॉग मजा आ गया, आर्जन और कंचन इज ब्यूटीफुल एंड ऑब्वियसली आपकी मॉम सो क्यूट, ये कौन है, यसरा बेबी ऐसे है। खुशबू जलंधर तक आ गई, जलंधर आ रहे हो आगे खुशबू तो भी ठीक है, रविंदर रंधावा बहुत लंबा जोड़ा है वरना मुश्किल हुआ है, लाइफ ऑफ एंजल नीता, आप मेरे ना कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लेना जो सब्सक्राइबर पढ़ना चाहते हैं, तो आउटिंग टाइम इज रियली बेस्ट टाइम विद फैमिली मेंबर, अनवी इग्नोर कर रहा था मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आज देखो कितना खुश हो रहा है बाहर जाकर, परांठा की खुशबू मलेशिया तक आ गई है, आप मलेशिया से हो, अच्छा लगा कि आप वहाँ बैठ के हमारे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा करना आप मलेशिया में जो आपके नियर एंड डियर हैं उनके फ़ोन पकड़ के ना हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करवा देना और रेड बटन भी दबा देना ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आ जाए। जय सूरी जी भी हमें ना रेगुलर कमेंट करते हैं, टूडे यूनिवर्सिटी गोट खुशबू ऑफ आलू परांठा लो, अच्छा बोल रहे टूडे द यूनिवर्स गोट खुशबू ऑफ आलू परांठा, मतलब कि आज यूनिवर्स को हमने आलू परांठा की खुशबू संगा दी, योर चाइल्डहुड फैमिली पिक इज
टू क्यूट एंड एंजॉय, थैंक यू। जैसे मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं नेम लूंगा मैक्सिमम, देखो सभी की तो लेना पॉसिबल नहीं होता लेकिन ले रहे हैं जितना हो रहा है। शिमला तक खुशबू आ गई है, रीना ठाकुर जी बोल रहे हैं और मम्मी जी आप आ जाओ, मेरे को पता है कि आप वीडियो बनाते बनाते जरूर आते हो, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पे खड़ गए वो भी कैमरा के आगे, ये देखो ये देखो ये देखो, इसे कहते हैं इंटरप्ट करना, ये मेरे दुश्मन है, रियल दुश्मन है, मेरे को वीडियो नहीं बनाने देते। बटाला तक खुशबू आ रही है राहुल सजन ऐसे कुछ है उनका नहीं, और जम्मू तक खुशबू आ रही है मीनाक्षी पठानिया बोल रहे हैं, और हमारे पंजाबियों का फेवरेट आलू परांठा शाइन विद श्वेता इन इटली ये बोल रहे हैं, और अंकुश आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, ज्योति अर्चे है यस सही है, जल्दी जल्दी में कहीं पहले ना पढ़ो, और टफी को भी चाहिए करा मेरे नेम तो बोल ही रहा, तो टफी ने भी आलू का परांठा खाया और बोला उसने वाओ वाओ। उसके बाद है हमारे पास अंकुश भाई, मेरे घर तो खुशबू आ गई, क्या बात है आपका घर कहाँ है, उत्तराखंड में, ओम सिंह जी बोल रहे हैं गढ़वाल के हैं, पूरा एड्रेस ही दे दिया इन्होंने तो हमारा, कोई बात नहीं आएंगे आपके घर भी, और अगर हमारा उत्तराखंड का ट्रिप बना है ठीक। हनी अंकुश प्लीज़ आप अपना हर वीडियो में आपके बेटे का सिद्धार्थ का नाम लीजिए, देखिए हर वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं होता लेकिन हमारे दिल में है दिमाग में है, बहुत से लोग आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, भाई हनुमान तो मैं नहीं हूँ कि अपनी छाती पाड़ के दिखा दूँ, ठीक है बोल सकता हूँ लेकिन उस चीज़ को भी अगर मैं बोलूँ तो भी गलत लिया जाता है, अगर ना बोलूँ तो भी गलत लिया, फिर मैं सोचता हूँ यार मेरा बेटा है मेरा हक है मैं क्यों ना लूँ, जब मेरी मेरा मन होगा मैं बोलूँगा, उसके लिए मेरे को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल और दिमाग में है, और हनुमान जी मैं नहीं हूँ कि अपनी छाती पाड़ के दिखा दूँ, क्योंकि उनका मुकाबला मैं कहाँ कर सकता हूँ, नहीं वो तो चलो उनके लिए थे है ना। प्रवीण कुमारी जी चंडीगढ़ में भी आ गई है, हम चंडीगढ़ में ही थे कल, आप मिल लेते वहाँ पे तो हम आलू का पराठा ले ही आते साथ में, हंसने है गुस्सा मत करना क्योंकि आप लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए, अगर हम दो बंदे होते ना ब्लॉगिंग के लिए तो कैमरे का एंगल चेंज हो जाता, लेकिन अभी एक एंगल से बात हो रही है, चलिए कोई बात नहीं एडजस्ट करना इस चीज़ को। नोएडा तक खुशबू आ रही है राहुल थापर जी बोल रहे हैं, उसके बाद जम्मू तक आ गई है रिट्स शर्मा, यू की दुनिया यूपी गोरखपुर तक खुशबू आ गई, अपना अपना नाम सुनने के लिए ना बैठे रहना आप सभी, कम से कम वो उस टाइम तो बढ़ेगा, सब सोचेंगे कि इसका कमेंट गया होगा तो मेरा नाम भी आएगा, सबका ले रहा हूँ। अच्छा मेरे को एक कमेंट बहुत अच्छा लगा आपका, अमीर रोला जी लीचड़ आलसी यस हंस रहे हो आप, अच्छा लगा है ना। उसके बाद रानी औजला है ना, ये यमी मुंबई तक खुशबू आ गई है, दिल्ली तक आ रही है, सरोज दत्ता जी बोल रहे हैं पाकिस्तान होर तक खुशबू आ गई है ये बोल रहे हैं। अब दुरहमन अभी देखिए थोड़ा नेम पढ़ने में मेरे को दिक्कत हो रही है क्योंकि ये नेम मेरे को थोड़ी मुश्किल लगती है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे कमेंट में पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, क्योंकि आपके अंकुश के दिल में जो बातें चल रही है, दिमाग में जो बातें चल रही है, जो आपके सामने डायरेक्ट बातें हो रही है, तो उसमें किसी तरह का झोल नहीं रखना चाहता, गोलमाल नहीं करना चाहता, ट्रांसपेरेंट बात ही करूँ। जर्मनी तक आ गई है खुशबू, स्वाद ही आ गया कहते जर्मनी तक था, मानी शर्मा जी बोल रहे हैं आलू के परांठे देख कर खाने को मन हो गया, भाई जाइए आलू लाइए और बनाइए, और बीच में हमारे जो नमक की रेसिपी है वो भी ट्राई करना डालना, बहुत बढ़िया लगती है, घर के नमक की रेसिपी डालो, दिलजीत सिंह जी बोल रहे हैं जल्दी डालेंगे, वैसे तो एक पिछले वीडियो है मेरे को पता नहीं है, इसी चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ उस चैनल पे ऐसी कुछ वीडियोस डालूँ जो दूसरे वाला है, जहाँ पे मैं अपनी रेसिपी वगैरह दिखा सकूँ, यार आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने कमेंट पढ़ ली, बस बंद कर देना चाहिए अभी। मुंबई तो खुशबू आ रही है सिमी रोडा जी, एक है BSK ब्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट 909, आई एम वॉचिंग यूर ब्लॉग फ्रॉम मथुरा उत्तर प्रदेश, थैंक यू जी। जमी परांठा क्या वे था, आई कैन स्मेल इट ऑल द वे ऑफ फ्लोरिडा USA, भाई इतनी दूर से क्या बात है, इंदौर तक भी आ गई, शिखा धीमान जी बोल रहे हैं। तो बस ये था, और मेरे को एक बात थी, कल मैंने इतना ट्रैवल किया और मॉल में घूमा, भाई 4-5 घंटे घूमा, इतना टायर्ड हो गया ना, आते ही मैं सो गया, इसलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया, सोना बेहतर समझा, क्योंकि जान है तो जहान है भाई, हम इतनी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, कंचन भी आके सो गई, भाई धन्य है वो लोग जो इतना ट्रैवल करते हैं, उनको हैट्स ऑफ इस अंकुश की तरफ से, ये हमारी तो बस होगी, क्योंकि गाड़ी चलाना वहाँ पे घूमना लेग्स पेन हो रही थी, क्या ही बोले है ना, एक होता ना चलो बंदा पैदल जा रहा है फिर भी है भाई, इतना टायर्ड हो जाता है ना इंसान घूम घूम के, भाई इतना नहीं घूमा जाता, तो सो गया मैं आके, तो इसलिए वीडियो को एंड नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा आज वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो कुछ शॉपिंग की थी हमने, वो अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा क्या क्या लेके आए हैं हम, कुछ चीज़ें लाए हैं, कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी वहाँ पे, नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे मम्मी के साथ फिर लेके जाएंगे, मेरे को अपने किचन के लिए सारी चीज़ें लेके आनी है, बेडशीट की कलेक्शन और अपना और छोटी मोटी चीज़ें, मेरे को अच्छा लगता है घर को डेकोरेट करना, लेकिन क्या होता है ना जो घर में फीमेल होती है ना वो घर को डेकोरेट करती है, कहते हैं ना मतलब कि इन चीज़ों में लड़कियाँ बहुत माहिर होती है,
हमारे मम्मी करते हैं लेकिन क्या है बिजी रहते हैं, लेकिन एक आज की जो यंग जनरेशन है ना वो ज़्यादा इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती है, तो उससे क्या होता है घर चहक जाता है। लड़कों में वो वाला नहीं होता, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा कीड़ा है, लेकिन एक कहते हैं ना कि अंदर से क्रिएटिविटी होती है वो लड़कों में इतनी नहीं होती, वो लड़कियों में होती है जो ऐसे इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड है ना, तो ये था इसलिए लड़के थोड़े ना पीछे रहते हैं इन चीज़ों में। बाकी जब लड़के आते तो घर को स्वर्ग तो बना ही देती है वो, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, घर को ऐसे अच्छे से डेकोरेट करना होता है। लेकिन जितना हो सकता है मैं अपने लेवल पे अपने मन से करता हूँ घर को। तो बस फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और अपना अपना नाम जरूर सुना जिसका रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और अच्छे अच्छे कमेंट करो और लाइक करो, और अपने नियर एंड डियर से अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। पकड़ के टाइम होता था मैं लोगों के मोबाइल लेके चैनल सब्सक्राइब करवाता होता था, कर लो हो गया। जब नया नया इंसान आता है ना इस प्लेटफॉर्म पे तब होता है, फिर अभी क्या है, अब तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो हम आपको बोल देते हैं आप हमारे लिए काम करिए। ऐसा नहीं है, हंस रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है जैसा मर्जी करो, बट ठीक है आप अच्छे अच्छे कमेंट करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दो, आपकी मर्जी है, हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप दो, नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक लाइक कर सकते हो, नहीं देखना कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते। बट क्या है, एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि आपके पास प्रॉपर हुआ आपको बोलने वाले का आप देखो ज़बरदस्ती देखो दिखाओ, वो तो एक बोलने की बात है। बस ये था, और ये था कि अगर आपको कंटेंट में किस तरह की वैरायटी चाहिए वो ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हम अपने कंटेंट में थोड़ा सा चेंज लाएं। वैसे तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को अभी बाय बाय कर देते हैं, हमारा कैमरा जो है ना वो गर्म हो चुका है बुरी तरह से। बाय बाय।